हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश की पोयम द नोटी बॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ नोटी बॉय एंड अ नोटी बॉय वॉज ही। एक शरारती लड़का था, नोटी बॉय मतलब शरारती लड़का, एंड अ नोटी बॉय वॉज ही, और वो सही में एक शरारती लड़का था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, वो भाग कर कहाँ गया, स्कॉटलैंड में। कहाँ से, इंग्लैंड से। तो लड़का इतना शरारती था कि इंग्लैंड से भागकर चला गया स्कॉटलैंड में। द पीपल देयर टू सी, वहाँ के लोगों को देखने के लिए। देन ही फाउंड डैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, तो उसको क्या पता चला वहाँ जाकर, उसको पता चला कि स्कॉटलैंड का ग्राउंड भी उतना ही हार्ड है जितना कि इंग्लैंड का है। डैट यार्ड वॉज एज लॉन्ग, और उसने ये भी देखा कि स्कॉटलैंड का जो यार्ड है वो भी उतना ही बड़ा है जितना इंग्लैंड का है। डैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी, और गाने भी दोनों जगह के सुरीले हैं। इंग्लैंड के गाने जितने सुरीले हैं उतने ही स्कॉटलैंड के गाने भी सुरीले हैं। तो जब लड़का भागकर स्कॉटलैंड गया तो वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है, सिमिलैरिटी दोनों जगह की वो देख रहा है। डैट अ चेरी वॉज एज रेड, और जो चेरी है, चेरी आपने देखा होगा एक फ्रूट है रेड कलर का, वो उतनी ही रेड है दोनों जगह पर। द लेड वॉज एज वेटी, और जो शीशा है उसका भार भी दोनों जगह समान है। वेटी मतलब भारी, जो भार है दोनों का वो समान है। डैट फोर स्कोर वॉज एज 80, और फोर स्कोर दोनों जगह पर कितना है, 80 है। फोर स्कोर क्या होता है, 4 × 20। तो उसने देखा कि दोनों जगह फोर स्कोर 80 ही है। डैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड, और जो डोर हैं वो भी इसी तरह लकड़ी के हैं जैसे इंग्लैंड में होते हैं, ऐसे ही स्कॉटलैंड में भी वो लकड़ी के ही है, लकड़ी के ही है। सो ही स्टूड इन हिज शूज, तो वो अपने जूतों में खड़ा हो गया। एंड ही वंडर्ड, और खड़ा होकर वो सोचता रहा, वंडर होता रहा। ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर, और अपने जूते पहन के खड़ा रहा और वो लगातार सोचता रहा और वंडर होता रहा। आश्चर्य उसको अपनी, मतलब इन चीज़ों की जो सिमिलैरिटी है उसको देखकर आश्चर्य होता रहा। ये पोएम लिखी है जॉन कीट्स ने, और इसके न्यू वर्स कौन से हैं, नोटी, नोटी आपको पता है शरारती, फाउंड मिलना, ग्राउंड अर्थ का कोई सरफेस, मैरी सुरीले, चेरी एक फ्रूट रेड कलर का, वेटी होता है भार, और वुडन कहते हैं लकड़ी को। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, बहुत ही ईजी पोएम है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा से भी सुन सकते हैं, दोबारा से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।